दी आपको। चलो देखते हैं एक एग्जांपल से, कभी साइकिल चलाना तो सीखा ही होगा, ठीक है। साइकिल चलाने में सबसे पहले क्या करा था आपने? दो तीन बार गिरे होंगे आराम से, हो सकता है कि उसको चोट भी लग गई हो, आप इंजर्ड हो गए होंगे, ठीक है। तो क्या आपने ये सोचा कि आप साइकिल नहीं चलाऊंगा मैं? क्यों, ऐसा क्यों था? इंटरेस्ट था, है ना? आपको लग रहा था कि ये फायदा है मेरा कहीं ना कहीं इस चीज में, है ना, आगे जाके मेरा फायदा होगा कि मैं कहीं जाना चाहूंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, कम टाइम में पहुंच जाऊंगा, ठीक है, मुझे टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी भी कम वेस्ट होगी, है ना। तो आपने उसकी क्या निकाले? फायदे निकाले, है ना, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उसके। तो अब यहाँ पे आपने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रॉब्लम आई, बस छोड़ के बैठ गए। ऐसा क्यों किया बताइए, कि उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो आगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया वहां पे, है ना। अगर आप किसी सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, किसी भी सब्जेक्ट को, यहाँ मैथ्स की बात नहीं चल रही, खाली मैथ्स को तो मैं बताऊंगा, ये सभी सब्जेक्ट में हो सकता है आपके साथ। जनरली उन सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फिजिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है ना, वहां पे भी यही हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आएंगी हमेशा, आपकी लाइफ में भी आती हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आए तो आपकी लाइफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना, और स्ट्रेट लाइन समझते हो क्या होता है? आपने देखा है ना ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना, तो कभी देखा है उसमें जब ईसीजी में इस तरीके से लाइन चलती है, जिगजैग लाइन, तब तो लाइफ चल रही है, स्ट्रेट लाइन हुई, तो ऐसा क्यों होता है? वो सीखो ना, ना लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ये मान लो कि डेड लाइफ है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तब आपकी लाइफ चल रही है, आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ, प्रॉब्लम आती रहेंगी मगर उसको सॉल्यूशन निकालना ही हमारी काबिलियत है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो आप, तो आपकी लाइफ डेड। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आपने मैच तो खेला ही होगा, ज्यादातर बच्चे मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच। तो जब बॉल आती है आपके पास, एक बार जमीन पे टकरा करके सीधे बैट पे आती है, फुल टॉस भी आती है, सीधे बैट पर नहीं आती, बॉल सीधे बैट पर आती है, तो वो तो हमारा काम है कि उसको बैट के साथ लेकर जाना, खेले, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप आउट हो जाओगे, एक दो बार बचोगे, बाद में तो आउट होनी है, ठीक है। वही आपके साथ होता है, आपको उसे समझने में कितना टाइम मिलता है कि बॉल हमारे पास आ रही है, इसको सोचने में कितना टाइम मिलेगा? एक सेकंड का भी एक सेकंड भी नहीं मिलता, उसका भी 1/10 पार्ट मान लो समझने के लिए। तो एक सेकंड में कितना सोच सकते हो, सोच लोगे? तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि आप उसको खेल जाते हो बॉल को? प्रैक्टिस। तो मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर क्लियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस क्लियर होगा आपका, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, और आप प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते रहोगे बड़े आराम से, फिर आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी, और इंटरेस्ट भी इतना क्लियर होगा, इतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कि आपको मन करेगा कि अब तो मैथ्स ही मैथ्स करना है ना, यही होता है। जैसे कि साइकिल चलाते हैं तो या तो आप साइकिल चला जाओगे या फिर गिर जाओगे, दो ही बातें हो सकती हैं। तो यहाँ भी यही है, मैथ्स पढ़ने में अगर इंटरेस्ट आएगा तो इतना आएगा कि आप बहुत ही मजा आएगा, है ना, मैथ्स ही मैथ्स पढ़ोगे, तो इसमें इंटरेस्ट क्लियर करने की जरूरत है। आगे ना समझ में? देखिए आपको कैसे मैथ्स फोबिया से बचना है, उसका सबसे
देखिए सबसे पहले है नो नीड टू फियर फ्रॉम मैथ्स, यू शुड चेंज योर मेंटेलिटी अबाउट इट. मैंने पहले ही बताया आपको अपना दिमाग की मेंटेलिटी चेंज करनी है, अपना माइंड मेकअप ऐसा करना है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं, ठीक है, कभी भी घबराना नहीं. डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. अगर आप इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तभी आप सीख पाओगे. और कोई मुझे बता सकता है मैथ्स के बिना क्या आप कुछ काम कर पाओगे? मैंने जब आपको बता दिया कि आपकी लाइफ ही मैथ्स पर चल रही है तो इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है? ईसीजी में लाइन आती है ना, किसका एग्जांपल बताएगा कोई? ग्राफ. आपने ग्राफ नहीं पढ़ा क्या? ग्राफ का एग्जांपल है, देखा ना ग्राफ बनता है. जब वही मैथ्स पर टिका हुआ है तो और क्या चाहिए? क्लियर ना? अप्लाई योर नॉलेज इन डेली लाइफ. बता दिया आपको कि आपको अपना मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने का उसे डेली लाइफ से कनेक्ट करिए, ठीक है. वैसे आप सब मैथ्स अप्लाई करते हैं बट अगर वो नोटबुक में या क्वेश्चन आ जाता है किसी बुक में तो उसे बड़े अलग तरीके से देखते हैं क्या आता है ना. सॉल्व सब करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करते हैं. जब वो एक वर्ड प्रॉब्लम बन के आ जाता है हमारे सामने तो वहां पर घबरा जाते हैं, जबकि होता वही है, कुछ नहीं है. किसी को पैसे दिए उससे वापस लिए, कितने पैसे बचे उसके पास है तो वही सब कुछ. घर पर नहीं देते हो, मम्मी पापा आपको 20 रुपए देते हैं, जा बेटा चॉकलेट ले आना एक और टॉफीज ले आना है, ये सब ले आना, जो पैसे बचे वो वापस मुझे ला करके दे देना. तो करते तो मैथ्स को मैथ लाई, वही सब कुछ होता है, ठीक है. अगर वही प्रॉब्लम जब हमारे सामने बुक में आ जाती है और थोड़ी सी लैंग्वेज की फॉर्म में आ जाती है और थोड़ी बड़ा चढ़ा के आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना है. क्लियर? नेक्स्ट है वर्क ऑन योर मैथ स्किल डेली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस. बताया था आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट होगा, ठीक है. क्लियर? हाउ टू इम्प्रूव इन मैथ्स, इसके कुछ टिप्स है आपके पास, कोई बता सकता है? इंटरेस्ट होना चाहिए, डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए. तो ऐसे ही कुछ टिप्स है, आप नोट भी कर सकते हो आप इनको, ठीक है. फर्स्ट है मैथमेटिक्स इज लाइक राइडिंग बाइसिकल, आइदर यू कीप मूविंग और यू फाइंड ऑन. 99% प्रिपरेशन प्लस 1% इंस्पायरेशन इज इक्वल टू 100%. प्रिपरेशन के साथ साथ इंस्पायरेशन भी जरूरी है, तभी 100% आउटपुट मिलेगा. क्लियर? रिवाइज द वर्क डन इन द क्लास रेगुलरली एंड प्रैक्टिस सम्स डेली. ये बहुत जरूरी है. आप यही कमी कर देते हैं, होता क्या है कि चैप्टर आज पढ़ाया जा रहा है उसको सॉल्व करेंगे 10 दिन बाद, तो रेगुलरिटी नहीं मिलती उसे. तो वहां पे आपके जो कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में उस टाइम, वो सब 10 डेज बाद तो गायब हो जाएंगे. जब कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? समझ में आ गया ना? तो रेगुलरिटी जरूरी है कि जो भी सम आज कराया गया है उसको आज ही रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस. और हो सकता है तो इतने ध्यान देना कि अगर एक टाइप का क्वेश्चन स्कूल में एक ही कराया गया है क्लास में कोचिंग पर कहीं भी, तो उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करें. ये नहीं कि एक प्रॉब्लम को एक ही बार सॉल्व करा बस खत्म, टाइम बच गया हमारा, अब हमें आ भी गया, ऐसा नहीं होना चाहिए.
अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ गया है, उसके बाद भी आपको उस क्वेश्चन उसकी तरीके के जो प्रॉब्लम है उसी के जैसे दो तीन क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तभी वो प्रॉब्लम क्लियर होगी आपकी। एक बार सॉल्व करोगे प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी, होगा ये उस टाइम को समझ में आ जाएगा, जब कुछ देर बाद उसको दोबारा करेंगे तो वो गायब होगा। यही हो जाता है आपके साथ कि आप एक जैसी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और मैथ्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप जब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो उसके जैसे दो तीन क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, ठीक है, एक ही जैसे दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। क्लियर? एंड कंसेंट्रेट इन द क्लास एंड एंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग विद द टीचर, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी क्लास में ऐसा होता है माहौल बहुत बिगाड़ से रहते हैं बच्चे, वो क्या होता है आप जानते भी हो कि कंसंट्रेशन तो होता नहीं है क्लास में, एक तो ये कमी हो जाती है कभी कभी बच्चों की, ज्यादातर नहीं, बहुत दो तीन बच्चे होते हैं जो अपने काम में लगे रहते हैं, पीरियड चल रहा है मैथ्स का तो वर्क कर रहे हैं साइंस का, मैथ्स का पीरियड चल रहा है हिंदी का वर्क कर रहे हैं कि मैम आज कॉपी चेक करेंगी, तो कंसंट्रेशन क्लास में नहीं होगा। अगर आप सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट समझ में बिल्कुल नहीं होगा। ये मैथ्स में तो बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट अगर कोई थ्योरी करनी है उसको आप समझ सकते हो पढ़ के भी, मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है इसमें जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे तो आगे प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो कंसंट्रेशन जरूरी है और मीनिंगफुल डायलॉग, ये तो समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अटपटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्लास में प्रॉब्लम चल रही है कुछ और उससे कहीं भी उसका कोई मेल जोल नहीं है, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम चल रही है या जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो क्लास में औरों का भी टाइम बेकार करते हो। क्लियर? वन शुड नॉट अटेम्प्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द डिफरेंट चैप्टर्स एट द सेम टाइम, रिवाइज द एक्सरसाइजेस चैप्टर वाइज सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी ये हो जाता है, ये पेपर वाली पोजीशन है, जैसे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट चैप्टर्स के होते हैं तो वहां पर हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप जब पहले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सेम चैप्टर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, फिर आगे जाकर दूसरा चैप्टर पकड़ना चाहिए और उसमें भी एक्सरसाइज वाइज चलना चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर का सॉल्व कर लिया अब तुरंत मन करा तो फिफ्थ चैप्टर पे आ गए, वो फ्लो नहीं रह पाएगा आपके पास ना, जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर के चल रहे थे अभी तक और थोड़ी देर में कहाँ पहुंच गए फिफ्थ चैप्टर पे या सिक्स्थ चैप्टर पे पहुंच गए, तो वो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से करेक्ट नहीं हो पाती, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती उस टाइम। तो आपको क्या करना है, क्या चैप्टर वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और चैप्टर वाइज भी एक्सरसाइज लेनी है, एक एक्सरसाइज फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर? इससे आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एंड दिस विल हेल्प यू रिवाइज पर्टिकुलर टॉपिक विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब जो आपने टाइम सेट किया उसी टाइम में आप अपना टॉपिक भी कवर कर लो अगर ऐसा करते हो, वरना अगर इधर उधर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग जाएगा तो आपका वो जो एक घंटे का आपने टाइम निकाला था मैथ्स पढ़ने के लिए वो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में चला गया, नेक्स्ट डे आएगा वही होता रहेगा, प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएंगे सॉल्यूशन रहेंगे, यही होगा ना। अच्छा कुछ बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम और आती है, वो अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि मुझे मैथ्स हो ही नहीं रही, मुझसे मैथ्स सॉल्व नहीं होगी, मैं छोड़ दूंगा आगे जाकर, टेंथ क्लास कर लूँ कैसे ना कैसे, छोड़नी तो है ही,
है ना, वो ऐसे बोझ बना के चलते हैं, अपने ऊपर गठरी डाली और चल रहे हैं बस दुख के, है ना। तो वो वाली पोजिशन हो जाती है कि एक दबाव में चल रहे हैं किसी को। टेंथ क्लास तक तो कंपल्सरी है बस, यहाँ से हटा नहीं जा सकता, बट उसके बाद छोड़ देंगे, कुछ और ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, बायो ले लेंगे, और सारी ट्रेड्स है, कुछ भी ले लेंगे, है ना। ये ऐसा पॉसिबल है? अरे मैथ्स तो कॉमर्स में भी आनी है, मैथ्स तो बायो में भी आनी है, तो वो ये क्यों सोच रहा है कि टेंथ तक इसे बोझे की तरह ढोना है। अगर आपको टेंथ तक भी मैथ्स पढ़नी है तो इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है कि आपको पता होना चाहिए आगे भी वो अप्लाई होने वाली है। अगर यहाँ पे वो किसी भी तरीके से पार हो गई, नैया पार हो गई हमारी, कोई बात नहीं, मगर आगे जाके क्या होगा, फिर से वही डूब गए, है ना। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने एक चीज देखी, मैथ के पीछे एस क्यों लगा होता है? दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स। क्या कभी बायो के पीछे बायोलॉजीज लिखा हुआ देखा है? इंग्लिश के पीछे इंग्लिशेस? नहीं ना। तो मैथ्स के पीछे मैथ्स और मैथमेटिक्स ही क्यों होता है, अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता उसको? क्योंकि वो अपने आप में इतने सारे सब्जेक्ट को लिए हुए है, उसको प्लूरल बनना ही पड़ेगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं, कहीं भी जाइए, अप्लाई तो जरूर होना मैथ्स। कंप्यूटर इज डिपेंड ऑन मैथ्स, बाइनरी सिस्टम, समझते हो ना, जीरो एंड वन लगते है ना, वो मैथ्स ही है। लॉजिक गेट्स आते हैं, वो भी तो मैथ्स ही है। बोला ना अलजेब्रा आती है, वो भी तो मैथ्स है। तो कैसे पीछा छुड़ा सकते हो? केमिस्ट्री पूरी लॉगरिथम है ना, है। और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, फिजिक्स पूरी न्यूमेरिकल्स है ना। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं टेंथ के बाद छोड़ दूंगा मैथ्स, नहीं छूटेगी भाई, वो तो कहीं ना कहीं आएगी, उससे पीछे नहीं हट सकते। आगे ना समझ। तो करना क्या है, अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझसे नहीं होती, तो उसको दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आपकी लाइफ में दो सर्किल होते हैं, सर्किल ऑफ पॉसिबिलिटी एंड सर्किल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। अगर किसी का माइंड फोकस हो रहा है सर्किल ऑफ डिफिकल्टी पे, एंड इट गेट चू, कितना बड़ा हो जाए। चलो ऐसे करके देखो, अगर आप अपनी फिंगर को ही देख रहे हैं कुछ देर तक, देखते रहे ऐसा हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी हो गई, शायद जूम हो जाएगा, छोटी नहीं बड़ी हो जाती है। किसी भी चीज पर फोकस करते हो तो वो बड़ी हो जाती है, उसका साइज हमें बड़ा दिखने लगता है। तो अगर कोई सर्किल ऑफ डिफिकल्टी पे ज्यादा फोकस कर रहा है तो उसकी लाइफ में डिफिकल्टी बढ़ती जाएंगी, और फिर होगा क्या, खत्म, गेम ओवर, है ना। तो इससे बचने का तरीका क्या है, सर्किल ऑफ पॉसिबिलिटी। जब ऐसा हो, सर्किल ऑफ डिफिकल्टी पे माइंड जा रहा है बार बार, तो आपको एक दूसरा सॉल्यूशन भी है आपके पास, सर्किल ऑफ पॉसिबिलिटी। तो आप अपना माइंड डाइवर्ट करिए कहां पर, सर्किल ऑफ पॉसिबिलिटी पर, और जैसे ही वो बढ़ता रहेगा तो पॉसिबिलिटी आती रहेगी और डिफिकल्टी जाती रहेगी, लास्ट में यह आएगा कि आपको सब कुछ आता होगा, और आप कहेंगे कि मुझे सब आता है, यही होगा ना। तो आप कभी भी लाइफ में निराश मत होइए कि मैथ्स बहुत भारी सब्जेक्ट है, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। क्या सोचिए, बहुत हल्का सब्जेक्ट, बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्लियर।
हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ फॉर्मूला स्मार्टली. ये स्मार्टली सर यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, क्विक रिवीजन करते रहिए कोई बात नहीं, वो तो चलता ही है, सब करते हैं, पेपर आते हैं उससे पहले भी करते हैं, ठीक है, बीच बीच में भी रिवीजन चलता ही रहता है. और स्मार्टली क्या है यहाँ पर, हाँ आपको अब स्मार्ट होना पड़ेगा, ये नहीं जैसे पहले चलता था. आप अपना टाइम भी कंज्यूम करिए जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है. मैथ्स में भी होता क्या है कि सब जनरली प्रॉब्लम ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सबसे गलत बात है. बुक में समरी भी होती है मैथ्स के लिए भी, स्टार्ट हमेशा कॉन्सेप्ट से करना चाहिए आपको. बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे अगर आप सर्किल ही पढ़ना चाहते हैं तो पहले सर्किल के डेफिनेशन, सर्किल के बारे में जानिए क्या चीज है, ठीक है. ये नहीं कि सीधे सर्किल का डायमीटर इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस चालू क्वेश्चन, ये नहीं होना चाहिए. कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो मैथ्स का तो उसमें पहले आप उसके बेसिक से स्टार्ट करिए, तभी ऊपर बढ़ते रहिए प्रॉब्लम पे आइए लास्ट में, तब सॉल्व करना स्टार्ट करिए. डायरेक्ट प्रॉब्लम पे पहुंचोगे, एक प्रॉब्लम हो भी गई सॉल्व, दूसरी फिर नहीं होगी, तीसरी हो गई, चौथी फिर नहीं होगी. सोचोगे कि ये तो अलग अलग आ रही है हर प्रॉब्लम, और हर प्रॉब्लम को टीचर बताएगा, सॉल्व करवाएगा, ट्यूटर बताएगा, जो भी है, ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर सकते. समरी होती है मैथ्स में भी, उसको पढ़ना चाहिए पूरा अच्छे से, उसमें लिखा होता है सब कुछ, चैप्टर जब स्टार्ट होता है पूरी समरी होती है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और पढ़ते पढ़ते उनको हाईलाइट भी करना चाहिए, जो मेन हेडिंग्स हैं या फॉर्मूलाज हैं उनको हाईलाइट कर लो, ठीक है. और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कभी भी फॉर्मूला, इतने सारे तो होते नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फॉर्मूले भी होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक पॉकेट डायरी बना सकते हो, छोटी सी डायरी ले लीजिए आप अपनी, ठीक है, और उसमें फॉर्मूला नोट करते रहिए. और जैसे कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या शादी में बैठे हुए पता चला कि उधर फेरे फिर रहे हैं और आप जागे हुए वहाँ पे रजाई ओढ़े बैठे हैं और उनको देख रहे हैं, है ना, ऐसे टाइम में भी आप अपना एंजॉय कर सकते हैं. मैथ्स को जाइए डायरी निकालिए, दो मिनट फॉर्मूला देखिए, जिम में रखिए और उसको रिवाइज करते रहिए. दिमाग यूज करना है, मैं तो खाना खाते हुए कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, मैंने देखा भी है. एक दिन सत्यम था, उसने एक प्रॉब्लम पूछी थी, और वो लंच से जस्ट पहले ही पूछी थी उसने कोई प्रॉब्लम, मुझे याद भी आ रही है, वो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था. उसमें हुआ ये था कि मैं उसका डायग्राम समझ नहीं पाया उसमें, और पीरियड ओवर हो गया, जब भी लास्ट में क्वेश्चन पूछा और जब भी ओवर हो गया, तो वो एक टीचर वो होता है कि बस खत्म छोड़ दो, मुझे अगली बार पूछ लेगा देख लेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं, वो अपना करवाना आएगा कहीं से भी दिमाग लगा लेगा कुछ भी करना, ठीक है. तो लंच में मैं फिर से वहीं गया था क्लास में, और लंच कर रहा था, लंच करते करते मैंने अपने आप के दिमाग में, खाली होता है लंच करते हुए आदमी कोई लंच को थोड़ी टेस्ट थोड़ी देता रहेगा कि भाई टेस्ट लिए जा रहे हैं, कभी चीज बेकार बनी हो तो वैसे दिमाग डाइवर्ट करना होता है ना, कोई बात नहीं होता भी है, दिमाग डाइवर्ट कर लीजिए है ना ऐसे टाइम पर. अभी खाना भी बेकार लगे तो मैं इसके फॉर्मूले यूज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, है ना. तो दिमाग जब हट जाएगा तो खाना तो खा ही लोगे, है ना, चाहे बेकार भी होगा तो खा के बैठ जाओगे, कोई बात नहीं. तो वहां पे यही हुआ कि मैं बैठा हुआ था, लंच कर रहा था क्लास में, तो मुझे लगा कि उसने क्वेश्चन पूछा तो था ही वो, और तो मैंने अपने दिमाग में इमेज बनानी स्टार्ट कर ली उसकी, कैसे कैसे डायग्राम बनेगा. और हाइट एंड डिस्टेंस का तो क्वेश्चन बेस्ड ही डायग्राम पर होता है, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, उसका डायग्राम ही मेन होता है, तो उसमें कुछ नहीं बचता, पांच छह लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. टेंथ क्लास में आता है, चार नंबर तक का क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, और वो डेली लाइफ में भी यूज होता है. जैसे कि आपको अगर बहुत बड़ी समझ लीजिए कि बिल्डिंग्स वगैरह है, ठीक है, मीनार बिल्डिंग, तो उनकी हाइट वगैरह हम उसी से पता करते हैं, या कोई हाँ हिल्स है उनकी भी हाइट उसी से पता चल जाती है, हाइट एंड डिस्टेंस.
वो बनाया भी इसी के चैप्टर जो था उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था उस चैप्टर से रिलेटेड, वो इसीलिए बनाया गया था वहां पर हाइट वगैरह निकालने। तो मैंने वहां पर वो इमेज बनाई अपने दिमाग में, और इमेज बनाने के बाद फिर प्रभु से बुलाया लंच करने के बाद उसे वहीं पर उसे सॉल्व कर दिया। तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ने बैठेंगे तभी उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं या समझ रहे हैं। मैथ्स में तो फॉर्मूले क्या होने चाहिए, कभी भी साइकिल चला रहे हैं तब भी मैथ्स के फॉर्मूले चलते रहने चाहिए, मगर ध्यान सड़क पर होना चाहिए। ये नहीं कि साइकिल चला के बैठ गया, हाँ ये जरूरी है ना, वो भी ट्रैफिक रूल्स का पालन होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप जैसे मैंने बता रहा था कि आपको पॉकेट डायरी बनानी चाहिए, और कभी भी जब भी आपको मौका मिले, फॉर्मूले आपके पास लिखे होंगे बड़े आराम से, जब भी मौका मिलेगा उसको आप पढ़ लोगे, रिवाइज कर सकते हो। तो फॉर्मूले का जो रिविजन है वो आपका स्मार्टली होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी तो इतनी नहीं लिख के ले आ सकते कि वो पूरी किताबें लेके घूम रहे हो, वो तो नहीं हो सकता ना। छोटी छोटी चीजें तो आप अपनी जेब में रख सकते हो ना। पॉकेट डायरी बनाइए, उसमें फॉर्मूले नोट करिए, जब भी टाइम मिले उसको रिवाइज करिए, क्लियर। स्केचिंग डायग्राम्स और सिंपल पिक्चर कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल बिकॉज द डायग्राम में tip of either a simple solution or a method for solving the problems. ऐसा होता है कि कुछ मैथ्स में भी बहुत क्वेश्चन आपको डायग्राम पर बेस्ड होते हैं ना, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। कभी भी जैसे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है आपका, तो उसके क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि वो आप डायग्राम बना के बड़े आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम हमें डायग्राम से सॉल्व करनी चाहिए, और बहुत इजी हो जाती है वो, इस तरीके से आपको समझ में भी आ जाता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। डायग्राम जरूर बनाने चाहिए, जरूरी नहीं है कि बहुत क्लियर डायग्राम बनाओगे आप, स्केल लेकर के बैठोगे, कंपास लेकर के बैठोगे, ये जरूरी नहीं है। रफ डायग्राम आपने हिसाब से बना लीजिए, बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, क्लियर। इट इज ऑलवेज बेटर टू बिगिन द पेपर विद क्वेश्चन दैट कैरी लेस मार्क्स, ये जरूरी है। ऐसा होता है कभी कभी हम क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने बैठते हैं तो हम 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। और आपको पता होता है कि जब हम पेपर देने जा रहे होते हैं, या कभी भी आप कभी स्पीच देने भी जा रहे हो, कहीं भी आप किसी के सामने फर्स्ट टाइम फेस हो रहे हैं, तो होता ये है कि आपके अंदर डर होता है उसको, है ना। स्टार्टिंग में ही डर होता, बाद में तो अपने फ्लो में आ जाता है बंदा, और ऐसा रहता है फिर तो राजा बन गया ना, कोई बात नहीं। तो वही होना चाहिए आपके अंदर, क्या कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने चाहिए 1 मार्क्स से, मतलब लेस मार्क्स। अगर 1 मार्क्स प्रॉब्लम है तो 1 मार्क्स से करो, और मिनिमम मार्क्स का प्रॉब्लम है 2 मार्क्स की तो आप 2 से स्टार्ट करो, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आजकल 1 मार्क्स से स्टार्ट होते हैं पेपर से, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन से। अगर आपको आता भी है 4 मार्क्स का क्वेश्चन और आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो कभी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके अंदर डर बना हुआ है और आप वहां से बहक करके उस क्वेश्चन को गलत कर दो, तो आप कितना नुकसान करेंगे, आप समझ सकते हो ना 4 मार्क्स का, ठीक है। और अगर वही क्वेश्चन आप 1 मार्क्स का स्टार्ट कर रहे थे, एक गलत हो गया कोई बात नहीं, 2 गलत हो गए कोई बात नहीं, आगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा और बाद में आप अच्छे से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, समझ में आ गया। बहुत जरूरी है आपको क्या कि स्टार्ट आपको हमेशा लेस मार्क्स क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना चाहिए पेपर को, कभी भी लॉन्ग आंसर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया। ये पेपर के लिए था आपका, ये जो लास्ट वाला है ये किस लिए, क्वेश्चन के, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सको, वो भी जरूरी है ना, कि आता सब कुछ है मगर मार्क्स नहीं आ रहे तो वो भी तो गलत है ना, मार्क्स भी अच्छे ही आने चाहिए,
समझ में आ गया ये? जस्ट रिमेंबर ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस आर द की ऑफ हाई स्कोर इन मैथ्स। सो लास्ट स्टेप क्या है कि ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, अगर ये दो चीजें आपके पास है तो मैथ्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। यही दो चीजें हैं जो आपको मैथ्स में ब्रिलियंट बना सकते हैं। आप चीजों को ऑब्जर्व करिए, यहां भी मैथ्स अप्लाई हो रहा है, यहां भी मैथ्स अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हुआ इसमें, मैथ्स क्यों लगा, मतलब किसी भी चीज में मैथ्स लगा, खाने में मैथ्स क्यों लगता, अरे हाँ खाना खाते हैं मैथ्स लगता, मतलब खाना बनाते हो हाँ उसमें मैथ्स अप्लाई होता है, जान रहे हो। प्रोपोर्शन समझते हो ना कि कितना रेशियो रहना चाहिए दोनों का, कि खाना बहुत अच्छा बने पता चला कि मिर्ची मिर्ची डाल दी और खाना उतना बेकार है ना, तो रेशियो जरूर होना चाहिए आपका खाने का। तो वही देखो मैथ्स हर जगह अप्लाई होता है, मगर आपका नजरिया बताता है कि आप उसे कैसे देखते हो। समझ में आ रहा है ये सब? क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है, हर चीज को देखिए, ऑब्जर्व करिए कि यहाँ भी मैथ्स लग रहा है, यहाँ भी मैथ्स लग रहा है, आप जा रहे हो कहीं भी पार्टी में जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी आप सोचिए, ठीक है, तभी आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बन पाओगे। हाँ पूरा सब चीज मैथ्स पर डिपेंड है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैथ्स पर डिपेंड नहीं है। मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनका बहुत ही बड़ा एरिया, इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया है कि जहां देखोगे यही दो दिखते हैं ना। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड स्कोप ऑफ मैथ्स। क्या क्या स्कोप है हमारा मैथ्स का फील्ड में कि क्या बन सकते हो आप? पहले कोई मुझे बताएगा कि आप बनने के लिए करते हैं या करने के लिए कुछ? अगर किसी के अंदर ये वाली बात है कि मुझे बनना है तो बहुत गलत। क्यों? अगर उसने सोचा है कि सपोज करो मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, ठीक है, और नहीं बन पाया तो क्या होगा? अफसोस होगा बहुत ज्यादा, आगे मेहनत भी नहीं कर पाएगा और अपने आप को छोड़ देगा कि चल गया मोटा पायलट है, भगवान जो चाह रहा वही होगा। फिर तो यही होता है राष्ट्र, है ना। एक बार अगर फेल हो गए तो कुछ लोगों का दिमाग वहां पहुंच जाता है कि अब तो जो भगवान चाहता वही होगा। ऑटो पायलट में तो यही होता है कि अगर बॉडी को आप किसी पानी में ऐसे छोड़ दो तो जिधर पानी जाएगा उधर ही जाओगे, चाहे आप समुद्र में डूब जाओ, घाटी में चले जाओ, है ना। तो कभी भी बॉडी को ऑटो पायलट में नहीं छोड़ना चाहिए, आपको हमेशा करने के लिए कुछ करने के लिए पढ़ना है, बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। अगर कोई चाहता है मुझे टीचिंग करनी है तो बहुत अच्छी बात है, तो कभी भी निराश नहीं होगा। क्यों? अगर प्राइवेट टीचर भी बन गया तो वो अपने काम को बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी से करेगा, जो करने के लिए है। और जो बनने वाला है ना तो गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद भी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसने मेहनत तो कर ली, अब कुछ साल के लिए बड़े आराम से बैठेगा, अभी पैसे आ रहे कोई बात नहीं, काम तो चल ही रहा है, क्लास में जाके बैठ जाएगा, दो तीन टॉपिक पढ़ाए बैठ गए, ठीक है। और जो कुछ करना चाहता था वो प्राइवेट जॉब भी करेगा तो अपनी मेहनत से करेगा, ऑनेस्टी के साथ करेगा, वो कुछ करने के लिए था, बनने के लिए नहीं था, वो उसका मकसद था कुछ करना। और जो करने वाला होता है ना वो इतनी आगे चला जाता, इतनी आगे चला जाता और उसने सोचा भी नहीं होता, वो चाहता था टीचर बनना और बन जाता नहीं, है ना, क्योंकि वो उसमें कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता है उसके अंदर, ठीक है।
तो आपको हाँ कुछ बनना नहीं है, करना है, बन तो अपने आप ही जाओगे, जब करोगे तो बन जाए, ठीक है।